good morning students it's a bit video of computer subject for class 7th in this video we will do the discussion about css what the full form of css what the use of css in html in this video we will see let's start css stand for cascading style sheet सी एस एस की फुल फॉर्म जो हमारी होती है वो कॉस्ट कटिंग स्टाइल शीट होती है क्या बार को तो वो देखती सी एस एस वर्क विथ एस टी एम एल टू कंट्रोल द वे टू कंटेंट इन प्रेजेंट ऑन वेब सी एस एस जो हमारी होती है ये भी एक हमारी लैंग्वेज है जस्ट लाइक एस टी एम एल जैसे हमारी लैंग्वेज है सिंपली हमारी सी एस एस भी एक क्या है एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम एस टी एम एल के साथ करते हैं जो आपका जो आपने कंटेंट वेब पेज में दिखाना है जो कंटेंट आपको वेबसाइट में दिखता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कैसे अट्रैक्टिव बनाना है कैसे उसको अच्छा लेआउट देना है तीस ऑल थिंग्स डन बाय सी एस एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके देखते हैं सी एस एस सेव लॉट ऑफ इफेक्ट बहुत इफेक्ट सेव करता है बहुत से हमारे जैसे जो चीज़ हम एस टी में बहुत एफर्ट करके कर पाएंगे बट सी एस एस के थ्रू उस चीज़ को हम बहुत ईजिली उस चीज को कर सकते हैं इट कैन बी कंट्रोल द लेआउट मल्टीपल वेब ऑल एन आपको कोई एक लेआउट है सपोज दैट जैसे आप देखते हैं कि कोई जो पिक्चर है वो लेफ्ट से स्टार्ट कर होती है और राइट पे क्लोज होती है ठीक है ऐसा होता है वेबसाइट्स में या फिर आ, टॉप से चल रही है और बॉटम पे क्लोज हो रही है ऊपर से चल रही नीचे तक जाती है तो इस चीज को आपको अगर एस्टीमेल के थ्रू करना है तो आपको हर पेज पे एस्टीमेल के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी बट विद हेल्प ऑफ सी एस एस यू कैन अप्लाई दिस दिस इफेक्ट ऑन ऑल पेजेस एड वंस कोड केवल एक बार आपको कोड लिखना होगा और ये हर पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा सी एस एस इज यूज टू स्टाइल द वेब पेजेस कैश का स्टाइल है उसके लिए फॉर एग्जाम्पल टू ऑल्टर द फॉन्ट कलर साइज एक्सेट्रा कि जैसे आपको जितने भी वेब पेजेस हैं जितने भी जैसे आपने वेबसाइट बनाई है वेबसाइट में काफ़ी पेजेस होते हैं तो उसमें जितने भी पेजेस हैं उसमें अगर फ्रॉन्ट कलर आपको सेट करना है कि जो हमारा कंटेंट है उसका जो फ्रॉन्ट कलर है मुझे ट्वेल्व रखना है फोर्टीन रखना है सिक्सटीन रखना है दैट विल भी डिसाइडेड या दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सी एस एस या उसका कलर या साइज़ या और भी चीज़ें जो हमारी है सी एस एस इन्हेंस द लुक एंड फील द वेब पेज मेक दैम मोर प्रेजेंटेबल जो सी एस एस क्या करता है उसके जो लुक होता है वेब पेजेस का उसको अच्छा बनाता है और जो प्रेजेंटेबल जो जो प्रेजेंट होता है जो डेटा जो हमारा वेब पेज दिखता है वेबसाइट पर वो भी अच्छा दिखता है सी एस एस इज ईजी टू लर्न वट प्रोवाइड अ पावरफुल कंट्रोल ओवर प्रेजेंटेशन ऑन एस्टेबल सी एस एस ईजी लैंग्वेज है हमारी और ये एस्टेबल डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही पावरफुल इफेक्ट करती है लास्ट में लिखा सी एस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैन सपोर्ट लेटेस्ट ब्राउजर एज वेल एज जो सी एस हमारी वो किसी भी किसी आप कोई किसी पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है हर प्लेटफॉर्म पे आपकी चलेगी जितने भी हमारे लेटेस्ट ब्राउजर हैं चाहे आपका मजोला फायरफ हो या फिर आपका क्रोम हो या फिर यूसी ब्राउजर हो या इंटरनल एक्सप्लोर हो जितने भी ब्राउजर हैं सब पे आपकी सी की जो कोडिंग है दिखेगी

हेयर इन कन्वर्ट इन टू सी एस एस प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल कलर फॉन्ट जो हमारे जो एस टी एम एल के ये सब हमारे क्या हैं टैग है इनको हम सी एस एस के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं बैलू जो आपको उस एट्रीब्यूट को जो बैलू असाइन करनी है जैसे फॉर्म हमें असाइन करना है ट्वेल्थ तो यह हमारी उसकी वैल्यू हो जाएगी तो सिंटैक्स को देख लेते हैं जैसे आपका सबसे पहले आप क्या करेंगे सेलेक्टर जिस टैग पर अप्लाई करना है फिर डिक्लेरेशन कर देंगे आप उस चीज़ को ठीक है डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन में हमारी क्या चीजें होंगी एक तो ये प्रॉपर्टी होगी किसकी कलर की वैल्यू आपने लगा? क्या लगाया ब्लू फॉन्ट क्या होगा प्रॉपर्टी उसका वैल्यू कितनी है तो फॉन्ट साइज ओके तो इसी को बोलते हैं आपका सी एस एस की कोडिंग ठीक है द सेलेक्टर पॉइंट द सेलेक्टर पॉइंट टू द एट एलिमेंट यू वॉन्ट टू स्टाइल सेलेक्टर जो होता है किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हैं जो भी टैग है हमारा द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेट बाई से ज्यादा भी हम क्या कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकते हैं ये कॉलन के थ्रू लगा के ईच डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग सी एस एस प्रॉपर्टी सेपरेटेड बाई कॉलन जो वैल्यूज होती है जिसकी तो कौन सी वैल्यू आपको देनी है तो उसके लिए हमें ये कॉलन होता है और ये ये कॉलन ये colon, जो हमारे होते हैं वो डॉट बोलते हैं इनको ठीक है सॉरी दीज आर द कॉलन एंड दिस इज सेमी कॉलन ओके okay. तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको क्या नाम सेपरेट करते हैं और वैल्यूज़ को कॉलम से डिफाइन करते हैं तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं पूरा एक सी एस एस का जो कोड है वो बना सकते हैं इस प्रोग्राम को जब हम की लैब कराएंगे तब इस चीज़ को समझेंगे ओके नाउ योर चैप्टर दिस इज़ फिनिश्ड एंड थैंक्स